और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। अब इस एनालॉजी और सिमिलरिटी में होता क्या है? फर्स्ट नंबर का सेकंड से रिलेशन रहता है, या दोनों को एक दूसरे से रिलेशन रहता है। सेम वही पैटर्न हम अगला में करते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बी दिया हुआ और 16, तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि बी का पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में, लेफ्ट टू राइट, सेकंड होता है। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि सेकेंड से ही 16 में क्या रिलेशन होगा। आपको पता है अगर 2 के पावर 4 कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, कितना जाएगा? 16। यानी सबसे पहले बी का अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से पोजीशन सेकंड होता है, यहाँ 16 है, इसके पावर हम 4 करेंगे तब हमारा क्या रिलेशन आ रहा है? 16। यानी हमारा कॉन्सेप्ट फाइंड आउट हो गया कि जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन है उसके पावर क्या करना है? 4। अब यहाँ डी दिया हुआ है, तो डी का मेरे प्यारे बच्चों अल्फ़ाबेट में क्या पोजीशन होता है? 4। तो 4 के पावर यहाँ 4 है, तो क्या लिख देंगे? 4। तो 4 का पावर क्या होता है? 256। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, बस हमें क्या करना है उस कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको समझ में आ गया? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। यहाँ दिया हुआ है RUST, फर्स्ट नंबर फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा है, R9 इंडिकेट कर रहा है, AU6 कर रहा है, S8 कर रहा है और T7 कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है TSUR क्या होगा। तो देखिए, RUST सेम, यही चारों अल्फ़ाबेट इसमें है, RUST सेम है। T का पोजीशन क्या है? 7। T को इंडिकेट 7 से कर रहा है, S को किससे इंडिकेट कर रहा है? 8 से, U को किससे कर रहा है? 6 से, और R को किससे इंडिकेट कर रहा है? 9 से। तो क्या हो जाएगा? 7 8 6 9। आप देखिए, 7 8 6 7 8 6 9, ऑप्शन बी आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, बस हमें उस सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। चलिए नोट डाउन करिए इसको, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट डाउन कर लिया इसको, बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। अगर हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है C = 16, यानी C का रिलेशन 16 से दिया हुआ है, तो हमसे पूछेगा F का रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 30, ऑप्शन बी दिया हुआ है 49, ऑप्शन सी दिया हुआ है 40, ऑप्शन डी दिया हुआ है 50। अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ दिया हुआ है BORE, इसका रिलेशन दिया हुआ है 10, तो हमसे पूछ रहा है होटल HOTEL, इसका रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 15, सी दिया हुआ है 18 और डी दिया हुआ है 30। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से इसको देखें। सबसे पहले हमें पता है कि सी का रिलेशन 16 है और एफ का रिलेशन हमसे पूछ रहा है, तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये फर्स्ट से सेकंड के जिस तरीके से सोल्व हो रहा है, जो रिलेशन से या सी से
16 आ रहा है, सेम वही रिलेशन एफ के साथ करेंगे आंसर आ जाएगा। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, सी का अल्फाबेट में लेफ्ट से क्या पोजीशन होता है? 3। हम 3 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, 16 नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 में 1 को प्लस कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, यानी 1 को प्लस कर दें, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि सबसे पहले इस अल्फ़ाबेट का पोजीशन फाइंड आउट कर दीजिए अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से, फिर उसमें 1 प्लस करना है और स्क्वायर कर दीजिए। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। यहाँ एफ दिया हुआ है तो एफ का पोजीशन क्या होता है? 6 होता है। अब यहाँ 6 में यहाँ 1 प्लस किया था, इसमें भी 1 प्लस करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। यानी ऑप्शन बी आंसर। समझ में आ गया? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे बी ओ आर ई, ध्यान से समझिए, बी ओ आर ई, ठीक है। और यहाँ रिलेशन 10 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि यह वर्ड बी ओ आर ई के साथ क्या करेंगे कि 10 रिलेशन आएगा। ध्यान से समझिए, बी का अल्फाबेट में पोजीशन क्या होता है? 2, ओ का 15, आर का 18 और ई का 5। अब ये सारे अल्फाबेट को आपस में प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 5, ठीक है। 5 5 10 और 8 18, 18 प्लस 2 20 का 0, कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। अब ये 40 आ गया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 10 कब आएगा? जब इस 14 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। किससे करेंगे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 से हम 14 को डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 10। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें कीजिए। यहाँ होटल लिखा हुआ है, एच ओ टी ई एल, एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12। प्लस कीजिए, 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। अब आप ध्यान से देखिए, पहले को हमने किससे डिवाइड किया था? 4 से। किससे किया था? 4 से। अब हम यहाँ पे, यहाँ 12 के जगह पे यहाँ पे है 19। अब हम क्या करते हैं, जब इसको भी 4 से किया था तो इसको भी हम क्या करेंगे? 4 से। तो 15 4 जा 16, 60 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। यानी ऑप्शन बी आंसर। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख ले इसको, नहीं लिखे तो पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एम ओ और रिलेशन दिया हुआ है यहाँ 13 और यहाँ 11। तो हमसे पूछ रहा है कि एच जे के साथ क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 1917, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1816, ऑप्शन सी दिया हुआ है 810 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1618। अब मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप इसको समझिए। हमें पता है कि टोटल अल्फाबेट, टोटल हमारे ए बी सी डी होते हैं, टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं सबको पता है? 26। अब यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ एम दिया हुआ है और यहाँ ओ दिया हुआ है। एम का अल्फाबेट में पोजिशन क्या है? 13, ओ का 15, पर यहाँ 13 और 11 रिलेशन दिया हुआ है। ध्यान से समझिए,
एम का पोजीशन 13 है तो हमारा अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। पहले इस 26 में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 26 माइनस 13 क्या आ गया? 13, यानी एम का पोजीशन 13 हो गया, ये तो सेम था ही। 15 है, 26 में से किसको माइनस कीजिए? 15 को, क्या आ गया? 11। पहले अल्फाबेट ओ का पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, टोटल अल्फाबेट में से इसके पोजीशन को माइनस किया, क्या आ गया? 11। अब आप देखिए 13 11 आ गया, सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ H दिया हुआ है और J है, H का पोजीशन 8 और J का पोजीशन 10, अल्फाबेट 26 होता है, 26 में से 8 को माइनस कीजिए, कितना आ गया? 18। 26 में से 10 को माइनस कीजिए, क्या हो गया? 16, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 18 16, 18 16, ऑप्शन बी आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से एक बात को समझिए, हमें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, मेहनत और कंटिन्यूटी। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं और पूरे हर्ष उल्लास के साथ, ताजगी के साथ, जुनून के साथ, पूरे धरती पे आपको सफलता प्राप्त होने में कोई नहीं रोक सकता है। सफल भी आप होइएगा आपके खुद की मेहनत से। अगर हम असफल हो रहे हैं तो हम खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब तक हम स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जो सफल होते हैं थर्ड अटैम्प्ट में, फोर्थ अटैम्प्ट में सफल होते हैं, इसका कारण क्या होता है कि दो तीन बार वो पूरी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई कर भी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, फिर दो साल तीन साल बाद उनको एहसास होता है कि ऐसे ही तो 5 साल निकल जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो 1 साल पूरी ताकत लगा देते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है, निकल जाते हैं। इसलिए हमें 4 साल की आवश्यकता नहीं है, हमें 1 साल की आवश्यकता है। 1 साल पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे और कंपटीशन को क्रैक करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।